व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, मुझे इस धरती की सबसे शानदार बात पता है क्या लगती है? इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में, आप लोगों को रेयरली कोई ऐसा दिखेगा जो किसी का फेस किसी के साथ में मिलता हो। किसी की खूबी किसी के साथ में मिल जाती है, पर लेकिन फेस आप लोगों को मिलता हुआ नहीं नजर आएगा। तो हर एक आदमी के डिफरेंट डिफरेंट फेस होते हैं। हर एक आदमी आप लोगों को अलग अलग इन्वायरमेंट में रहता हुआ नजर आएगा। हर एक इंसान की अलग अलग एम्बिशन होती है। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई क्रिकेटर बनना चाहता है। हर एक इंसान अलग अलग फील्ड में जाना चाहता है किसी न किसी तरीके से। तो देखिए, उसको अचीव करने का रास्ता भी आप लोगों को अलग ही नजर आएगा। आप लोगों को बस इतना करना है जहां आप लोगों को जाना है और जहां से चलना है। दो पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अब रास्ता आप लोगों के सामने अपने आप बनता चला जाएगा अगर आप लोग इस पर चलना स्टार्ट कर देंगे। पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, जितना आप लोगों को देखना है बस उतना, जितने पे आप लोग चलना चाहते हैं। कहने का मतलब यह है, डे बाय डे आप लोगों को अपने रास्ते को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आप लोगों को पूरा लंबा रास्ता दिखेगा तभी आप लोग गोल पर पहुंच पाएंगे। जहां आप लोग नेक्स्ट कदम रख रहे हैं उतना रास्ता भी अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए बोला गया कि देखिए, सबसे डिफिकल्ट एग्जाम जो है वो लाइफ है। अगर लाइफ को आप लोग शानदार तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं तो इस दुनिया की हर एक प्रॉब्लम को आप लोग हैंडल कर पाएंगे। बस शर्त यह है कि किसी को कॉपी करके नहीं चलना है, अपनी ओरिजिनलिटी में रहना है। जो का आप लोगों का नेचर है उस नेचर में रहना है। अपने नेचर, अपने स्वभाव को दूसरे के हिसाब से चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी करंट अफेयर की वीडियो होती है। यहाँ पे पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, अलग अलग न्यूज पेपर के आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और कंबाइन को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर नैनो मैगजीन। आज है महीने की फर्स्ट डे। देखिए, आप लोग अपना पूरा एक प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस महीने में आप लोग क्या करने वाले हैं। मतलब अपना पूरा प्लान बना लिया कीजिए। कम से कम इस महीने का आप लोगों के पास में एक मोटा मोटा प्लान होना चाहिए, एक वीक का आप लोगों के पास में, उसे थोड़ा और सटीक, और आगे आने वाले दिन का एग्जैक्टली आप लोगों के पास में प्लान होना चाहिए। यानी कि नेक्स्ट कल क्या करना है पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, एक वीक में क्या करना है एक अच्छे लेवल पर पता होना चाहिए, और इस महीने क्या करना है मोटा मोटा पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों का टारगेट होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे आने वाले टाइम में आप लोग क्या करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ में। जो फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है काफी अच्छी, यहाँ पर इंडिया ने डिफीट कर दिया इटली को। ये चल रही है वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है यहाँ पर। और देखिए, काफी शानदार बात यहाँ पर निकल कर आती है, हमारी कंट्री में वुमेन हॉकी आगे बढ़कर आ रही है, खासकर सपोर्ट किया जा रहा है इस तरीके से। यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये टूर्नामेंट चल कहां पर रही है ये आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, वो नेक्स्ट आर्टिकल है आप लोगों के सामने। 8 कोर सेक्टर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए अलग अलग कंट्री डिसाइड करते हैं कि उसके कोर सेक्टर क्या है। हमारी कंट्री के जो कोर सेक्टर हम लोगों ने डिसाइड किए हैं, कोल, क्रूड, ये है कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील और सीमेंट, और ये इलेक्ट्रिसिटी। आठों के नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि 2 के 3 के आप लोगों को नाम दे देगा और बोलेगा कौन सा इसमें है और कौन सा नहीं है। इसके अलावा आप लोगों को कई बार यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि लास्ट टाइम जो ग्रोथ था अब की बार बढ़ा या घटा है। तो यहाँ पर जो अभी एस्टिमेशन आया ये आप लोगों को बढ़ा हुआ नजर आ रहा है जो पहले के कंपेयर में, तो 6.7% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह, जितना भी ग्रोथ अलग अलग एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक साइड में सारा और एक साइड में मैक्सिमम जो ग्रोथ आता है वो यहाँ से निकल के आता है। इसीलिए बोला जा रहा है कोर। आप लोगों ने सुना नहीं होगा कि कोर की, यार ये एक बिल्कुल कोर है ये चीज, मतलब ये चीज पढ़ ली बिल्कुल कोर की चीज है, उन्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग किसी इकोनॉमी को बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पे निकल के आ रही है, ये क्या है, वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर। तो ये आप लोगों को नजर आएगा, बिल्कुल से चाइना की दीवार है उसी तरीके से यहाँ पर ये बनाई गई थी। इसको यहाँ पर प्रपोज किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की रिकॉग्निशन के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है, आप लोगों को पता होना चाहिए किसके द्वारा बनवाई गई है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है फर्स्ट इंडिया नेपाल ये थिंक टैंक समिट, जिससे कि दोनों मिलकर आने वाले टाइम में एक दूसरे के साथ में अच्छे से काम कर सके और नॉलेज शेयर की गई। यहाँ पर कहाँ पर हुई है, ये हुई काठमांडू में। आगे बात निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली को, न्यू दिल्ली ने वेलकम किया, यूएसए ने हमको ग्रांट कर दिया स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन स्टेटस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में हाई टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं हम यूएसए से इंपोर्ट कर सकते हैं और आसानी से वो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन का दर्जा दे दिया है। ये सारी उस चीजें से निकल के आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे यूएसए हमारे ऊपर सैंक्शन लगाना चाहता था ईरान को लेकर, तो वो एक साइड में हम लोगों को कंफर्टेबल करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की एक्टिविटीज इसलिए की जा रही है। और हम लोगों ने अभी यूएसए से भी एक डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात की है, जैसे S-400 डिफेंस सिस्टम हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं। तो कई सारी बातें आज के डेट में चल रही हैं, तो ये हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, इनके आंसर है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान, यूनियन मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस।
यूनिसेफ के बारे में आप लोगों से पूछता, आप लोगों को पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड बोलते हैं। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी बच्चों से रिलेटेड बात आती है, पढ़ाई से रिलेटेड, उनके एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी बात आती है निकलकर, तो ये आप लोगों को पिक्चर में यहां पर नजर आएगा। ठीक है, देख सकते हैं जो गठन किया गया था, इसका गठन किया था 1946 में। ये एक तरीका फंड है, हेडक्वार्टर आप लोगों को नजर आएगा न्यूयॉर्क में। अगर बात करें प्रेसिडेंट की तो ये है यहाँ पर टॉ हेल्टन हेट्रम, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर वो है यूनाइटेड नेशन, यानी कि यूएन के अंडर में काम करता है। एसबीआई को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता था, फिर बाद में चलकर इसका नाम चेंज किया गया और हेडक्वार्टर कहाँ पर है आज के डेट में, मुंबई में है। मैं कई बहुत सारे बैंक्स के आप लोगों के हेडक्वार्टर मुंबई में नजर आएंगे, और ये बैंक का एग्जाम अगर आप लोग देने जाते हैं तो आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ओके, तो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। जो फर्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है यहाँ पर सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड। सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने यहाँ पर ले लिया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, किसके अंडर यहाँ पर ये आ गया, डोमेन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आसानी से इसके लिए फंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा और भी कई सारी एक्टिविटी की जा सकती है। तो यहाँ पर आज की डेट में ये एक तरीके से जो यहाँ पर नजर आएगा अंडर अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। पहले इसका नाम भी कुछ और हुआ करता था, पहले इसका नाम सेंट्रल रोड फंड हुआ करता था, अब सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी इसका नाम कर दिया है। ठीक है, तो नाम भी आप लोग देखते हैं, सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 को यहाँ पर अमेंड करके इसका नाम किया गया था। देखिए ताकि आसानी से यहाँ पर कई तरीके से यहाँ पर जगह फाइनेंस की जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो फाइनेंस आसानी से प्रोवाइड कराया जा सके, उन सब चीजों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए। क्योंकि देखिए कई तरीके की बातें आती है, रेलवे की बात कर लीजिए, रोडवेज की बात कर लीजिए, इन सब चीजों के लिए आप लोगों को फंड की जरूरत होती है, तो किस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फंड की जब बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज की डेट में कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, आप लोगों को पता होना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएगा। मिनिस्ट्री तो देखिए आप लोगों को सारी पता ही होनी चाहिए। पाकिस्तान में अभी इलेक्शन हुए और पाकिस्तान में यहाँ पर एक हिंदू भी अभी जीत कर आए, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं, नाम है महेश मलानी, फर्स्ट हिंदू कैंडिडेट, यहाँ पर नेशनल असेंबली में सीट मिलेगी इनको। देखिए यहाँ पर पहले ऐसा कुछ अलाउ नहीं किया जाता था, पर लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम पर अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, उस टाइम से लेकर यहाँ पर अलाउ किया गया था कि नॉन हिंदू को, वो नॉन मुस्लिम को भी यहाँ पर अलाउ किया जाए। तो ये नाम याद रखते हैं, इस तरीके की बातें कई बार पूछी जाती है जो थोड़ी डिफरेंट होती है। इन्होंने यहाँ पर जो कैंडिडेट को रहा है 14 कैंडिडेट को हराकर इन्होंने यहाँ पर ये सीट जीती है। बात की जा रही है यहाँ पर इंटरनेशनल ब्लॉक चैन कांग्रेस के बारे में। देखिए ये एक तरीके की टेक्नोलॉजी है जो कि सिक्योर करती है ट्रांजेक्शन को, अगर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो काफी सिक्योर है, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। ये अभी देखने को मिलेगी आप लोगों को 3 अगस्त को, कहां पर, हैदराबाद में। नीति आयोग तेलंगाना और यहां पर गोवा गवर्नमेंट मिलकर यहां पर इसको टुगेदर ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी को यहां पर ये ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको टैकल किया जा सके, खासकर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग और तमाम ट्रांजेक्शन आज के डेट में ऑनलाइन होते हैं, तो उन सब तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर इस तरीके के स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी है और कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि कहां पर इससे रिलेटेड बातें हुई। और खासकर टेक्नोलॉजी पर जो फोकस देकर आज के डेट में चला जा रहा है ना, वो देखिए हर एक चीजों को ऑनलाइन करने की बात की जा रही है, तो इसलिए यहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि सिक्योर कर सके इन सब चीजों को। नेक्स्ट बात की जा रही है मिड डे मील के बारे में। देखिए मिड डे मील यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है बच्चों को जब स्कूल में जाते हैं स्टार्टिंग के फेज में उनको, ताकि एक अच्छा खाना उनको मिल सके। और यहाँ पर देखिए एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं, मतलब कहने का क्या है, अभी यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि मिल्क भी प्रोवाइड कराया जाएगा मिड डे मील जो स्कीम के तहत। आखिर फायदा क्या होगा इससे, इससे दो फायदे होंगे, एक तो यहाँ पर किसानों को फायदा होगा जो भी यहाँ पर इन सब चीजों का व्यापार करते हैं, खासकर जो बहुत सारे यहाँ पर इस तरीके से पशु रखते हैं दूध के और दूध सप्लाई करते हैं, तो जो वो फार्मर है, देखिए काफी आप लोगों को प्रोटेस्ट देखने को मिला था दूध को यहाँ पर सड़कों पर भाग गया था, क्योंकि प्राइस की वजह से और भी कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आ रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे किसानों के द्वारा। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बच्चों का भी फायदा होगा और यहाँ पर इनके साथ में यहाँ पर किसानों का भी फायदा होगा, तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बात की गई है। जितना भी सरप्लस है जो कि यहाँ पर जिसकी वजह से प्राइस जो डाउन रहते हैं मार्केट में, उन सब चीजों को ध्यान में रख के ये स्टेप उठाए गए हैं। मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ हम लोग अपने स्टेट में इसको स्टार्ट करेंगे, तो जो भी ये चीजें हैं यहाँ एक तरीके से दोनों के फायदे के लिए यहाँ पर रहेगी। एम याद रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्या एम था यहाँ पर मिल्क को मिड डे मील के अंडर में लाने का, ताकि जो सरप्लस स्टॉक है वहां पर उन सबको एब्जॉर्ब किया जा सके। ओके, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, इसके बारे में आप लोगों को जाकर पढ़िएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा जब आंसर दूंगा। तो स्टेट से रिलेटेड न्यूज निकल कर आ रही है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर
ये है यहाँ पर आसाम से रिलेटेड न्यूज। आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यहाँ पर फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। देखिए ये एक तरीका रजिस्टर है जो कि यहाँ पर बताता है कि आसाम में यहाँ पर जो हमारे सिटीजन रहते हैं वो कौन है और जो बाहर से माइग्रेंट होकर आए हैं वो कौन है। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए 1971 की जब वार हुई थी उस टाइम पर बांग्लादेश बनकर नई कंट्री आया था और जो वेस्टर्न पाकिस्तान है उससे ईस्ट पाकिस्तान को यहाँ पर आजाद कराया गया था जिसका नाम बाद में बांग्लादेश पड़ा। तो देखिए उस टाइम पर बहुत सारे जो लोग यहाँ पर बांग्लादेश से हमारी कंट्री में एंटर किए तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इलीगल माइग्रेंट आए थे उनको वापसी भेजने की बात की गई। तो फर्स्ट टाइम जो प्रिपेयर किया गया था 1951 में प्रिपेयर किया गया था, उसके बाद में जब बात आई निकलकर 1971 की तो उस टाइम पर ध्यान दिया गया इन सब चीजों के ऊपर कि यहाँ पर देखिए जो भी लोग यहाँ पर उस टाइम पर अवेलेबल है जिनके पास में डेटा है कि हम लोग हाँ इंडिया के सिटीजन है इलीगल माइग्रेंट नहीं है उनको यहाँ पर बोला गया कि आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं वरना सबको वापसी जाना होगा। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख के अभी ये रजिस्टर तैयार किया गया था और अभी 30 जुलाई को यहाँ पर इसको फाइनल ड्राफ्ट को रिलीज किया गया है। तो लगभग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस रजिस्टर से बाहर रह गए हैं। अब अगर वो यहाँ पर रियली लीगल सिटीजन है इंडिया के और चाहते हैं कि पार्ट बनना यहाँ पर तो उनको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर कि हाँ वो यहाँ पर इसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये काफी अच्छी बात है। देखिए कई बार सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाती है, कई इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो इसलिए यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखने के लिए क्योंकि कई सारे इलीगल ऐसे माइग्रेंट रहते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में अलग अलग एक्टिविटी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग तरीके बम ब्लास्ट वगैरह है हारमोनी बिगाड़ सकते हैं उल्टी सीधी हरकतें करके। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये यहाँ पर अपडेट किया गया। काफी लंबे समय से बात की जा रही थी, लेट पे लेट होता जा रहा था पर आखिर लास्ट में आकर इसको रिलीज कर ही दिया गया। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश की विजिट पर थे, वहां पर इन्होंने 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए। तो ये सारे प्रोजेक्ट किस तरीके से आने वाले टाइम में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अलग ही तरीके डेवलपमेंट दिखाता हुआ नजर आएंगे आप लोगों को। लगभग 81 प्रोजेक्ट है यहाँ पर जिसमें इतना पैसा खर्च किया जाएगा, ठीक है, इन लखनऊ। तो एक शानदार तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, बहुत सारी MOU साइन की गई यहाँ पर और मिलकर काम किया जाएगा। एक एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की जा रही है IT सेंटर, इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड और अलग अलग तरीके के और भी कई सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। रिलायंस जियो के साथ में मिलकर BSNL यहाँ पर काम करेगा, लगभग 10,000 करोड़ रिलायंस जियो यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा और 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर ये BSNL। दोनों यहाँ पर ऑप्टिकल केबल जो होता है यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल उसको यहाँ पर यूज करते हुए काम किया जाएगा। देखिए उसमें आप लोगों को एक बात पता होना चाहिए, जो ये केबल होता है ना आखिर आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत सारे इस तरीके के पंचायतों को कनेक्ट करने की बात की जा रही है इन केबल के थ्रू। आखिर फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है ये केबल जो होते हैं यहाँ पर वर्क करते हैं एक तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR जिसको बोला जाता है। इसके बेस पर जो स्पीड होती है वो काफी शानदार आप लोगों को देखने को मिलेगी, बिना किसी रुके टुके ज्वाइंट नहीं रहता है इनमें, आप लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब कहने का ये है जहां जहां ये बिछाए जाएंगे वहां वहां पर आप लोगों को इंटरनेट की स्पीड जो है काफी शानदार नजर आएगी। तो इसलिए इसके बारे में आप लोग याद रखिए, कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की जब बात आती है वहां पर तो उसके अंदर जो प्रोसीजर वो चलता है ये प्रिंसिपल पर चलता है, ओके। और इसके अलावा कौन कौन यहाँ पर इन्वेस्ट करेगा? इन्फोसिस करेगी यहाँ पर, टाटा कंसल्टेंसी करेगी, अदानी पावर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, मतलब बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को नजर आएंगे इन्वेस्ट करते हुए। पेटीएम भी इन्वेस्ट यहाँ पर करने जा रहा है। एम रहेगा लगभग 2.1 लाख जॉब नई क्रिएट यहाँ पर की जाएगी और प्रोजेक्ट देखिए काफी बिग स्टेप आप लोग बोल सकते हैं डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत। कहां पर स्टार्ट किया गया? उत्तर प्रदेश, यूपी, योगी नाथ जी यहां पर आप लोगों को चीफ मिनिस्टर नजर आएंगे। कैपिटल क्या हो गई? लखनऊ। इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए क्योंकि एक ऐसे स्टेट में इतना बड़ा, हमारे इतने मतलब बड़े स्टेट में इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है और क्या क्या यहां पर एरिया में वर्क करने जा रहे हैं हल्का सा तो आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्कीम के बारे में, ये स्टेट से रिलेटेड स्कीम है पर काफी शानदार स्कीम है। बात की जा रही है परनाम स्कीम के बारे में, मतलब क्या है यहाँ पर इसका, पेरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर द अकाउंटेबल एंड द मॉनिटरिंग स्कीम, आसाम गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। मतलब कहने का यह है आज की डेट में जो बच्चे होते हैं, पहले देखिए आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि एक पेरेंट जो है वो 100 बच्चों को पाल लेते हैं पर लेकिन एक बच्चा कभी मिलकर, मतलब 100 बच्चे मिलकर एक पेरेंट्स को ढंग से नहीं पाल पाते हैं, अपने माता पिता की देखरेख नहीं कर पाते हैं, कहने का मतलब ये है। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आसाम गवर्नमेंट ने जो स्कीम लॉन्च की है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किस तरीके से गवर्नमेंट स्टाफ को यूज किया जाएगा टेक केयर करने में जो पेरेंट्स हैं या फिर फिजिकली चैलेंज जो सिबलिंग्स हैं, यहाँ पर जिनके घर में ये लोग रहेंगे उनकी 10-15% जो सैलरी है उसको यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा ताकि उनकी टेक केयर की जा सके। तो कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है? आसाम गवर्नमेंट के द्वारा, जो बुजुर्ग होते हैं उनकी देखरेख करने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई है। तो काफी अच्छा स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। इकोनॉमी और बैंकिंग के बारे में यहाँ पर देखते हैं, अगर आप लोग जॉब करते हैं तो बात आ रही है यहाँ पर आप लोगों का ITR भरने की, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं जो डेट कर दी गई है 31 अगस्त कर दी गई है अब, ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। पहले जो थी यहाँ पर 31 जुलाई थी, अब बढ़ा के 31 अगस्त कर दी गई है। देखिए इनकम टैक्स हर एक पर्सन को भरना चाहिए अगर वो जॉब करे, कभी उसको चोरी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ही यहाँ पर आप लोगों को
आप लोग यहाँ पर नजर आएगा ये, अगर यहाँ पर इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो जो फैसिलिटीज होती हैं उनके बारे में हम लोग कैसे सोच सकते हैं। तो जो इस कैपेबल हैं कि इनकम टैक्स भरना चाहिए तो उनको जरूर इनकम टैक्स भरना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिली और उसने लगभग 88 जो यहाँ पर इसके अंदर प्रोजेक्ट थे, 88 जो आइटम थे उनका क्या किया, जो ऊपर जो मान लीजिए कोई है 28 की स्लैब में तो उसको नीचे 18 की स्लैब में लेकर आया गया, अगर उससे ऊपर था तो उसके नीचे और उसको लेकर आया, 12-5 की स्लैब में लेकर आया, कई सारे जैसे सैनिटरी नैपकिन वगैरह होते हैं उन पर बिल्कुल ही इसको हटा दिया गया। तो इस तरीके से स्टेप उठाए गए, तो उससे क्या होगा, उससे देखिए जनता को तो फायदा होगा पर लेकिन इकोनॉमी को नुकसान होगा। तो अभी यहाँ पर रेटिंग जो मूडीज एजेंसी है उसके द्वारा बोला गया कि इसकी वजह से 0.04 to 0.08% एनुअली जीडीपी पर लॉस होने वाला है, क्योंकि देखिए एनुअली आप लोग यहाँ पर कम, यहाँ पर कलेक्शन कम होता हुआ नजर आएगा और तो उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आने वाले टाइम पर हमारी जीडीपी में लॉस होगा इसकी वजह से, जो यहाँ पर जीएसटी में इतना ज्यादा यहाँ पर ये स्टेप उठाए गए हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर वन लाइनर के बारे में, इंडिया और चाइना ने अभी साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर आप लोगों को देखने को मिलेगी मैक्स मेन पार्ट जो आसाम में है, और नॉन बासपति राइस इनके बारे में यहाँ पर एक दूसरे के साथ में यहाँ पर एमओयू साइन किया गया था। इंडियन रेलवे जो यहाँ पर IRCTC जिससे आप लोग अपना ऑनलाइन टिकट वगैरह बुकिंग करते हैं, उसने यहाँ पर अभी कॉमन सर्विस सेंटर जो होते हैं आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई कई जगह पर कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, कई सारी फैसिलिटी टिकट बुक आप लोग कर सकते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, इनको स्पेशल पर्पज व्हीकल के तरीके से यूज करने की बात की गई थी, ताकि अगर देखिए आज के डेट में आप लोग टिकट लेने जाते हैं प्लेटफॉर्म पर जाकर लाइन लगानी पड़ती है, तो अलग एरिया में जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहीं पर ही आप लोग इनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया ने नेपाल को दिए थे 99 मिलियन ताकि वहां पर अपना ट्यूबवेल वगैरह जो यहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, खासकर तराई रीजन में जहाँ पर मधेसी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मतलब सदर्न नेपाल में आप लोग बोल सकते हैं, नेपाल के थोड़ा जो इंडिया के बॉर्डर से टच करता हुआ एरिया है, खासकर बिहार वाला रीजन, उत्तर प्रदेश वाला रीजन आप लोग बोल सकते हैं, वहां पर मधेसी कम्युनिटी रहती है, तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए स्टेप उठाया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्वायर किया अभी यहाँ पर फ्लिप ग्रिड को, ये एक एजुकेशन का ऐप है छोटा सा, जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इंडिया और तजाकिस्तान ने अभी यहाँ पर कोऑपरेशन दिखाने की बात की है, किस तरीके से वाटर को सस्टेनेबल तरीके से यूज किया जा सकता है इफेक्टिवली, क्योंकि पानी की वजह से कई सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उस पर फोकस देकर चलने की बात की गई थी। सेंट्रल वुमेन कमीशन ने अभी साइन किया था गूगल के साथ में यहाँ पर वोटर कमीशन ने गूगल के साथ में अभी यहाँ पर किस तरीके से हमारी कंट्री में अगर बाढ़ आ रही है, कहीं पर फ्लड आ रही है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जा सके और उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन निकाला जा सके, तो देखिए गूगल की हेल्प लेकर यहाँ पर इन सब चीजों को देखने की कोशिश की गई थी। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर यह लेक्चर 47, इसके बारे में आप लोग जाकर देखिएगा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया है। इस लेक्चर का लिंक और लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहाँ पर भी मिल जाएगी और यहाँ पर भी मिल जाएगी कंप्लीट, आप लोग जाकर देख सकते हैं और बाकी सारे लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो ये रहता है हमारा डिस्कशन, आप लोगों को पता होना चाहिए मॉर्निंग में 4 बजे नैनो मैगजीन आती है, 7:30 बजे द हिंदू, इसके अलावा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो आती है आप लोगों को शाम को। तो ये पूरा प्रोसीजर आप लोगों के लिए रहता है यहाँ पर, ताकि आप लोग अपनी जो पढ़ाई है उसको एक अच्छी डायमेंशन, एक अच्छी डायरेक्शन दे सकें। तो आप लोग इन सब चीजों को देखते रहिए ताकि आप लोग एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया है। पहले हम लोगों ने इंडियन वुमेन हॉकी टीम के बारे में डिस्कस किया, जिन्होंने इटली को हराया काफी शानदार तरीके से 3-0 से। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की कोर सेक्टर के बारे में, कौन कौन से कोर सेक्टर हैं इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा वॉल सिटी जयपुर के बारे में, क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा, जरूर बताएगा। इंडिया और नेपाल की फर्स्ट थिंक टैंक की समिट हम लोगों ने देखी काठमांडू में आप लोगों को देखने को मिली। इंडिया और दिल्ली की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यूएसए और इंडिया की यहाँ पर बात की जा रही है, दोनों अब यहाँ पर स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन की बात की जा रही है, आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। ये क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आप लोगों को आंसर दिया और आपने भी काफी शानदार तरीके से आंसर दिया। इसके अलावा हम लोगों ने देखा सेंट्रल लोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है उसको अब चेंज करके यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ला दिया गया है, पहले इसका नाम चेंज किया गया था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट यहाँ पर देखा महेश मलानी जो कि फर्स्ट हिंदू पाकिस्तानी यहाँ पर चुनकर आए हैं अभी जो इलेक्शन हुए हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल ब्लॉक, ये ब्लॉक चेन कांग्रेस के बारे में जाना, डिटेल में आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे मिल्क जो है उसको अंडर मिड डे मील के स्कीम में लेकर आया गया है, क्या टारगेट अचीव करने की बात की जा रही है, डिटेल में हम लोगों ने जाना, आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर देखा आसाम के द्वारा अपडेट कर दिया गया है रजिस्टर, ठीक है, ये यहाँ पर इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है प्रोजेक्ट बहुत सारा, लगभग 60 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पर लखनऊ में देखने को मिला और कौन कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने जाना। आसाम के द्वारा एक स्कीम यहाँ पर लेकर आई गई है खासकर बुजुर्ग के लिए, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा रिसेंट जो जीएसटी रेट कट हो रहा है उसकी वजह से हमारी जीडीपी क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अच्छे से हम लोगों ने इसके बारे में देखा।
आईटीआर के बारे में जाना, आप लोग इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर ये चीजें रखते हैं तो आप लोगों को इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर है आप लोगों का रिविजन, आप लोगों को इसका जाकर रिविजन करना है। और नेक्स्ट आप लोगों के ये हम लोगों ने वन लाइनर देखा जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट आज का डिस्कशन। देखिए अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आता है तो लाइक किया कीजिए, नहीं पता तो डिसलाइक किया कीजिए, डिसलाइक क्यों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चीज़ों को शेयर कर दिया कीजिए अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों को इससे कोई फायदा हो रहा है तो। और जब भी आप लोगों को टाइम मिले देखिए लोगों को पढ़ाइए जरूर, क्योंकि जब भी आप लोग किसी को पढ़ाते हैं तो आप लोगों का रिविजन भी हो जाता है और शानदार तरीके से आप लोग अपने माइंड में वो चीज़ें इस तरीके से रख पाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में उनको रिकॉल कर पाएंगे। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।